नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज कारोबार के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 185 अंक यानी 0.48% ऊपर 39,259 के स्तर पर खुला। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.48% यानी 55 अंकों की बढ़त के साथ 11,605 के स्तर पर खुला। बुधवार को शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही कमाल किया। 6 महीने बाद सेंसेक्स ने 39,000 का स्तर पार किया और निफ्टी भी 11,500 के ऊपर चला गया। बुधवार को दुनिया भर के बाजारों में बढ़त देखने को मिली। अमेरिका का बाजार डाउन जॉन्स 0.30% बढ़त के साथ 83 अंक ऊपर 28,331 पर बंद हुआ। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 95,853 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। यह रिफंड 25 लाख से ज्यादा करदाताओं को मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक इसमें से 29,361 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 23 लाख करदाताओं को दिया गया है। वहीं 1 लाख से ज्यादा करदाताओं को 66,493 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड किया गया है। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप ने भारत चीन तनाव के चलते फिलहाल कुछ समय के लिए भारत में निवेश को रोक दिया है। भारत में चीनी निवेश पर हाई सिक्योरिटी जांच के चलते अलीबाबा ग्रुप द्वारा अगले 6 माह तक भारतीय कंपनियों में निवेश को लेकर नए सौदे करने की संभावना नहीं है, यानी कंपनी भारत में किसी भी तरह का नया निवेश नहीं करेगी। हालांकि इस बारे में अलीबाबा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जैक मा की कंपनी अलीबाबा ग्रुप के इस फैसले से कई भारतीय स्टार्टअप को झटका लग सकता है, साथ ही भारत की उन कंपनियों को धक्का लग सकता है जिनमें अलीबाबा निवेश करने जा रही थी। एक दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज दिल्ली में यह प्रति लीटर 10 पैसे महंगा होकर 81.83 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को भी इसकी कीमत में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। 12 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दामों में लगे आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 12 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 10 बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे पेट्रोल की कीमतों में 1.40 रुपए का उछाल आया है। 15 अगस्त तक पेट्रोल के दाम स्थिर थे, लेकिन 16 अगस्त से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2000 से अधिक ऑनलाइन विक्रेताओं के एक समूह ने भारत के अमेज़न के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट मामला दायर किया है। इसमें अमेरिकी कंपनी अमेज़न पर आरोप लगाया गया है कि वह कुछ रिटेल विक्रेताओं के पक्ष में है। इसके मुताबिक ऑनलाइन डिस्काउंट से इंडिपेंडेंस विक्रेता व्यापार से बाहर निकल जाते हैं। यह मामला भारत में अमेज़न के लिए एक नई रेगुलेटरी चुनौती पेश कर सकता है। भारत में $6 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताने के बाद अब अमेज़न एक जटिल रेगुलेटरी दिक्कतों से जूझ रहा है। आरबीआई द्वारा इस साल सरकार को किया जा रहा सरप्लस ट्रांसफर पिछले 7 साल में सबसे कम है। यह बात पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग ने कही है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने अपनी कुल आय या सरप्लस का सिर्फ 44% सरकार को दिया है, जो परसेंट के लिहाज से गत 7 साल में सबसे कम है। इस महीने के शुरू में आरबीआई के बोर्ड ने अकाउंटिंग वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किए जाने की मंजूरी दी थी। आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच जब सरप्लस ट्रांसफर और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर गंभीर विवाद चल रहा था, उस वक्त गर्ग आर्थिक मामलों के सचिव थे। BSE के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज को गोल्ड क्वांटो और सिल्वर क्वांटो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए नियामक से मंजूरी मिल गई है। इंडिया INX पर इन दिनों क्वांटो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में सोमवार 31 अगस्त 2020 से ट्रेडिंग शुरू होगी। गोल्ड क्वांटो फ्यूचर्स का अंडरलाइंग एसेट इंडियन गोल्ड स्पॉट प्योरिटी 1995 है। सिल्वर क्वांटो फ्यूचर्स का अंडरलाइंग एसेट इंडियन सिल्वर स्पॉट प्योरिटी 999 है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ का मंजर पैदा कर रखा है। महामारी के चलते दुनिया भर में खिलौना मार्केट को भारी नुकसान हुआ है। खिलौने के कारोबार को नुकसान में होने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी खिलौने के कारोबार को देश में बढ़ाने को लेकर विचार कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल अंबानी की कंपनी रिलायंस ने ब्रिटेन के खिलौना ब्रांड हैमलेस ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड को करीब 620 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का ऐलान किया था। अब कंपनी इस कारोबार को महामारी के दौरान विस्तार करने को लेकर प्लान कर रही है।
वैश्विक स्तर की प्रोफेशनल सेवा देने वाली कंपनी एसेंचर पूरी दुनिया में 25,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के पूरी दुनिया में 5 लाख कर्मचारी है, भारत में इसके पास 2 लाख कर्मचारी है और इसमें से 10,000 की कटौती हो सकती है। कंपनी उन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी जिनका प्रदर्शन कम है, साथ ही कुछ की छुट्टी कोरोना से बिजनेस पर पड़े असर के कारण होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसेंचर के सीईओ जूली स्वीट ने इसी महीने में स्टाफ की मीटिंग की थी, इसमें उन्होंने रिव्यू किया था। भारत में कंपनी के 2 लाख कर्मचारी हैं। टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। देश भर में अप्रैल में कुल मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या 116 करोड़ 94 लाख थी, मई में 57 लाख कम होकर 116 करोड़ 36 लाख हो गई है। हालांकि इससे पहले अप्रैल महीने में भी ग्राहकों की संख्या में 85 लाख की कमी आई थी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को हुआ है। हालांकि जियो के ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। ट्राई के मुताबिक सब्सक्राइबर की संख्या में कुल कमी के बीच रिलायंस जियो सब्सक्रिप्शन में सबसे आगे रहा है, जिसने महीने के दौरान 36 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।